नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ईवी लवर्स पे। और आज के दिन में जैसे कि आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर में दुनिया भर की गाड़ियां आ रखी हैं, बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन सारे एक जैसे दिखने में है, कोई भी किसी में कोई नयापन नहीं है। ऐसे में ही डायनेमो ने एक नया मॉडल लॉन्च किया जो कि सबसे यूनिक है, और ये जो मॉडल है वो इस मार्केट में तहलका मचाने वाला है। इसी मॉडल को आज हम लेके आए हैं हमारे पास, और इस मॉडल का नाम है डायनेमो लीमा। और चलिए अब चलते हैं इस नए मॉडल की तरफ। देख रहे हैं आप लोग इसकी जबरदस्त, इसको देख के सबसे पहले तो मन करता है भाई गॉगल पहन लूं, क्योंकि ये है ही इतना कूल। ओए होए होए, आह जबरदस्त, इससे बैठ के लगता है कि हाँ भाई कुछ अलग ही गाड़ी चला रहे हैं। और ये मैंने इसका की ऑन किया, देख रहे कुछ, ओहो लाइट देखो इसकी, क्या जबरदस्त रिंग शेप में लाइट है इसकी। और ये देखिए इसकी इंडिकेटर साउंड इफेक्ट के साथ, एकदम साउंड भी ऐसे इतनी मखमली साउंड है इसकी, लगता है कि हाँ भाई ये कुछ अलग ही प्रीमियम गाड़ी है। और आइए आप मीटर देखो, अरे क्या मीटर है ये देखो, ये ऐसी जबरदस्त इस डिजिटल मीटर जिसमें डायनेमो की ब्रांडिंग के साथ हो, क्या जबरदस्त लग रही है ये। तो फ्रेंड्स ये है लीमा, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अब ये नई गाड़ी डायनेमो लीमा थोड़ी सी डिटेल में। तो सबसे पहले तो अब लुक देखिए इसका, जो इसका लुक जो है काफी यूनिक है। इस तरीके से आपको आगे की आपको पैनल मिल जाती है। अब इसमें साइड में आएंगे तो अब देखिए जरा पूरा जो इसका जो शेप जो है कितना बढ़िया से एकदम ऐसे कर्व में आ रहा है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर इसका शेप है। फिर पीछे भी आप देखेंगे तो काफ़ी यूनिक लुक है। अब देखेंगे इसका जो बैक लाइट है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी सारे मॉडल से, इनबिल्ट है इस पैनल के अंदर पूरा का पूरा, तो ये एक अलग सी लुक है। यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है लीमा की, इधर ब्रांडिंग है, इस तरफ भी आपको सेम साइड में इधर ब्रांडिंग मिल जाती है लीमा की। उसके बाद अब आगे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको फुटबोर्ड के ऊपर भी आपको लीमा की ब्रांडिंग मिल रही है। इसके अलावा इसमें आपको इंडिकेटर में भी डायनेमो की ब्रांडिंग मिल रही है। यहाँ पर आप देखिएगा इधर आप काफी जगहों पर बहुत अच्छी ब्रांडिंग दी है कंपनी ने। और इसमें और अगर आप देखेंगे तो ये लुक एक इसमें काफी आपको एक चीज जो सिमिलर दिखेगी वो ये है कि इसकी लुक थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड है ओला से। जी फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो थोड़ी बहुत ये गाड़ी ओला की तरह लगती है, और उससे और ज़्यादा यूनिक लगती है क्योंकि इसके एक तो कलर्स बहुत यूनिक हैं, और सेकंड इस ये लो स्पीड में है, इसमें आपको DL रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ओला की लुक की गाड़ी पसंद है और आप अगर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं, लो स्पीड गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं लाइट्स के ऊपर। लाइट्स इसकी बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक है। अगर मैं ऑन करता हूँ गाड़ी को, ये देखिए एक तो ये इतने प्यारे से साउंड के साथ ही ऑन होती है, उसके बाद ये लाइट देखिए, ये रिंग लाइट में आपको यहाँ पे LED दिया हुआ है। ये सामने आपको ये चार पानी के ड्रॉप्स की तरह ये लाइट दिए हुए हैं जो कि इस लाइट के साथ जलते हैं। इसके अलावा और लाइटिंग दिखाता हूँ आपको बहुत जो यूनिक है इसमें, ये देखिए यहाँ पर ये इस लीमा के बगल में आपको ये तीन लाइट इस तरीके से यहाँ मिल जाते हैं, ये भी काफ़ी यूनिक है। सामने भी यहाँ पर आपको फ्लोरबोर्ड पे यहाँ पे तीन लाइट ऐसे मिल जाते हैं, सेम आपको दूसरी तरफ भी इस तरीके से दोनों साइड में मिलते हैं, यहाँ पर फ्लोरबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे लीमा के ब्रांडिंग के बगल में। अब बैक की अगर बात करें तो आपको इस तरीके से पीछे में ऐसे लाइट मिल जाते हैं रियर में। ये सारी लाइट जो आप देख रहे हैं इनबिल्ट है पैनल के अंदर, कुछ अलग से बाहर नहीं निकला हुआ है। ये लाइट भी पूरे टाइम ही चलते हैं और ब्रेक के टाइम पर इस तरीके से इल्यूमिनेट हो जाते हैं ये लाइट। तो ये रहा इसका बैक पैनल फ्रेंड्स, अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है एक गाड़ी में, वो इसकी हेडलैम्प्स। तो ये मैंने इसकी हेडलैम्प्स ऑन किए हैं, ये देखिए इसकी इतनी ज़बरदस्त इसकी थ्रो है, बहुत ही अच्छी है। और इसमें डिपर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, हाई बीम लो बीम का, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसमें विजिबिलिटी है, प्रोजेक्शन भी काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग है लाइट का। तो लाइट कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी इसमें विद LED ऑप्शन, कंप्लीट LED ऑप्शन, और ये इस तरीके से आपको डिपर भी साथ में मिलेंगे। तो ये फ्रेंड्स बात होगी इसकी हेडलाइट की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी इंडिकेटर की। अब इंडिकेटर में एक और जो बहुत मस्त वाली चीज़ आपको इसमें दिखेगी वो आपको इसमें सुनाई देगा, इसका
साउंड सुनाई दिया, है ना जबरदस्त, बिल्कुल यूनिक फ्रेंड्स। मैंने सबसे पहले आपको वीडियो में क्या बताया था, ये गाड़ी बिल्कुल यूनिक है, बाकी जो भी मॉडल्स मिल रहे हैं मार्केट में उससे बिल्कुल यूनिक है। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ अगर आप इसमें देखेंगे, एक एक अगर डिटेल में देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें इसमें ऐसी अलग दी हुई हैं जो कि बाकी में आपको गाड़ियों में नहीं मिल रही है। तो इसमें से एक ही चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो इसका जो साउंड है, इस साउंड से थोड़ा सा अपने आप ही थोड़ा प्रीमियम फील आ जाती है गाड़ी के अंदर। तो इस तरीके से आपको इंडिकेटर लाइट मिलेंगे और बैक लाइट में देख सकते हैं। तो इसमें भी जो आप डिज़ाइन भी देखेंगे लाइट का वो थोड़ा बहुत बाइक की तरह दिए गए हैं, तो ये भी काफ़ी डिफरेंट हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी ब्रेक्स के बारे में। तो इसमें फ्रेंड्स स्टैंडर्ड जो है फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है और आपको रियर में इसमें ड्रम ब्रेक के साथ ये गाड़ी मिल जाती है। दोनों आपको व्हील्स फ्रंट और रियर आपको 10 इंचेस में इसमें देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करेंगे इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, तो आइए आपको फीचर्स दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इग्निशन ऑन करके देखते हैं, तो इस तरीके से इसका की ऑन होता है। ऐसा आपको मीटर मिल जाता है स्टैंडर्ड इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं आपको जो फीचर्स में टाइम यहाँ पर मिल रहा है सारा डिजिटल, यहाँ आपका जो गियर है वो, उसके बाद यहाँ आपका किलोमीटर दिखाता है कितनी किलोमीटर गाड़ी चली है, और ये आपका बैटरी लेवल और ये मोड। इसमें एक और चीज़ है जो कि आपको नहीं दिखा पाया, जब ये गाड़ी स्टार्ट होगी तो आपको यहाँ का वोल्टेज भी आपको दिखाएगा कि बैटरी कितने वोल्टेज पर है, लेकिन 60 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये इतनी वोल्टेज भी आपको इससे यहाँ पर दिखाई देगी। अब आते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ कंट्रोल्स के ऊपर जो यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मोड की मिल जाती है और एक पार्किंग की मिल जाती है। इसको पार्किंग दबाते ही गाड़ी ऑटोमेटिकली पार्किंग या फिर रेडी में इसे चली जाएगी वन क्लिक से। और फिर उसके बाद ये वाला जो ग्रीन वाला बटन है, इससे आपके मोड्स यहाँ पर चेंज होंगे, या जो आपके रनिंग मोड्स है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से हो जाएगी। इसमें फ्रेंड्स रिवर्स गियर भी दिया गया है, इसको यूज़ करने के लिए आपको ये एम की तरफ इसको प्रेस करके रखना है और आपको गाड़ी के एक्सेलेरेटर बढ़ानी है, तो ये आपका रिवर्स मोड में चला जाएगा। ये देखिए रिवर्स आ रहा है, दिख रहा है आपको, मतलब ये रिवर्स मोड में गाड़ी चल रही है, इसकी टॉप स्पीड 7 तक जाएगी। और अगर हम नॉर्मल मोड की बात करें तो आपका ये जो स्पीड है टॉप स्पीड थर्ड मोड पे ये जाती है 45। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके स्पीड के बारे में हो गया। अब इस तरफ देखते हैं इस तरफ हमको क्या क्या मिल जाता है। तो इस तरफ हमको मिलता है ये लाइट का डिपर स्विच, फिर इसके बाद ये इंडिकेटर्स और ये हॉर्न, और ये इस तरफ जो है ये लाइट का अपना स्विच हो गया। और फ्रेंड्स नेक्स्ट इसकी बात करते हैं सीट का। देखिए यहाँ देखिए क्या लाजवाब सीट दी है इन्होंने, बिल्कुल जबरदस्त एकदम लेदर की कवरिंग के साथ और बहुत ही कंफर्टेबल कुशनिंग के साथ ये सीट दी गई है, बिल्कुल फ्लैट और दो लोग इसमें बहुत आराम से बैठ सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, मतलब इसमें बैठ के अगर लॉन्ग ड्राइव भी करेंगे तो बिल्कुल थकान नहीं होगी आपको। और फ्रेंड्स बात करते हैं आगे जो इसमें और एडिशनल क्या यूटिलिटीज़ दी हुई हैं। आपको यहाँ पर एक पॉकेट मिल जाता है जिसमें आप अपने सामान रख सकते हैं, एक आपको बॉटल भी इसके अंदर आ सकता है छोटा वाला। बैग हुक आपको दिया गया यहाँ पर कुछ आपको टांगने के लिए कोई सामान। उसके बाद आपका यहाँ पे अब इसमें एक और चीज़ थोड़ी डिफरेंट जो है, इसका चार्जिंग स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है, मोस्टली गाड़ियों में इधर नीचे इधर यहाँ पर होता है, बट इस केस में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट दिया है गाड़ी का। उसी के नीचे आपको यहाँ पर दूसरा USB पोर्ट मिल जाता है जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं इसमें से। इसके अलावा इसमें अगर चाबी की क्वालिटी देखेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए काफ़ी यूनिक और काफ़ी प्रीमियम दिया है, ये वाइट कलर में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म के साथ विद स्विच सब कुछ में बटन दिए हुए हैं और प्रीमियम लुक थोड़ी सी है चाबी में। या कीज़ का भी अगर डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम लग रही है। ये हेलमेट पुराना है लेकिन ये सिर्फ इस वीडियो बनाने के लिए हमने लाए गए हैं, ये मिलेगी नहीं गाड़ी के साथ, डोंट वरी। तो ये जो हेलमेट इसलिए लाए फ्रेंड्स इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी दिखाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इतनी ज़बरदस्त स्टोरेज कैपेसिटी इस गाड़ी में मिल रही है। इस हेलमेट को मैं आराम से यहाँ पर रख सकता हूँ, ये बढ़िया अच्छे साइज़ का हेलमेट है, फिर भी इतनी जगह इसमें बच रही है और ये आराम से इसमें सीट आपका जो है बंद हो गया। तो फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप इसमें और भी सामान इसमें रख सकते हैं, जैसे कि आपका चार्जर आपको रखना है इसके अंदर, आपको कोई छोटा सा बैग रखना है या और भी कोई आपके डेली के कुछ सामान है, वो बहुत आसानी से इसके अंदर आ सकते हैं। काफ़ी ह्यूज स्पेस दिया है इसके अंदर, तो ये एक अच्छा इन्होंने इसमें एडिशन किया है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी बढ़िया गाड़ी, इतनी प्रीमियम, इतने सारे फीचर्स के साथ और इतने बेहतरीन लुक के साथ बड़ी महंगी होगी,
मेरे को भी पहली बार ये लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यही सबसे इसकी यूनिक चीज़ है कि आपको इतनी ज़बरदस्त, इतनी बढ़िया, इतनी यूनिक लुकिंग न्यू मॉडल मार्केट में आपको मात्र 62,000 से मिल सकती है। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये वाली गाड़ी लेड एसिड और लिथियम बैटरी दोनों के साथ कंपेटेबल है। आपका जो बजट का रेंज है आप उससे ये गाड़ी ले सकते हैं। लेड एसिड की आपको जो गाड़ी है वो 62,000 मात्र से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं है फ्रेंड्स, ये अफोर्डेबल भी है और ये आपकी नेक्स्ट गाड़ी बन सकती है। हमारे स्टोर में ये अवेलेबल। हमारा नया लोकेशन फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। जी हाँ, गौर सिटी 2 के बिल्कुल सामने हमारा नया शोरूम है, ताज हाईवे के ऊपर मेन। तो प्लीज फ्रेंड्स विजिट अस। हमारा आपको कंप्लीट एड्रेस अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारा नंबर भी है। कोई भी इसके बारे में या कोई और मॉडल के बारे में कुछ भी आपको जानना हो तो प्लीज कॉल अस ऑन दिस नंबर। हम लोग आपको हेल्प करेंगे और आपको गाइड करेंगे आपके नेक्स्ट परचेज के लिए। तो फ्रेंड्स, सी यू सून, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर डालिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।